मेरे साथी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, माननीय सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे विधायक श्री भव्य बिश्नोई जी, डिप्टी स्पीकर साहब श्री रणवीर गंगवा जी और उत्तर प्रदेश से पधारे हुए मेरे वहां के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, श्री हरि सिंह सैनी जी, श्रीमती पूर्व सांसद श्रीमती कैलाश सैनी जी, पूर्व विधायक श्री पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी, सैनी सभा के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सैनी जी, मेयर हिसार के हमारे श्री गौतम सरदाना जी, अन्य सभी उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर मैं महाराजा सूरसेन जयंती के इस भव्य समारोह में आप सबके साथ मिलकर के बातचीत करते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा हूं। और महाराजा सूरसेन सैनी के आप लोग सब लोग वंशज, उनकी याद में वैसे तो हर साल कार्यक्रम करते हैं और मुझे याद है कि 1920 के कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र में भी जो पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम था उसमें मैं उपस्थित हुआ था। आज इस कार्यक्रम में मैं दूसरी बार आ रहा हूं। मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप हर वर्ष हरियाणा के किसी ना किसी कोने में राज्य स्तरीय कार्यक्रम अवश्य करें, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक महाराजा सूरसैनी जी का जो इतिहास हमने पढ़ा है, बहुत ही प्राकर्मी और बहुत ही वेदों के ज्ञाता, प्रतापी, न्यायप्रिय, एक धर्मात्मा, इस प्रकार के प्रजापालक वो राजा थे। और राज्य में उनके समय पूर्ण समाजवाद था, उत्पादन के साधन समस्त समाज की भलाई में काम आते थे इस प्रकार की, और उनको राज करने की जो पद्धति प्रक्रिया थी वो उस समय हमने की। राजा सूरसेन सैनी जी, इनका जो क्षेत्र है मथुरा का इलाका है और उस मथुरा के क्षेत्र के अंदर आज भी उनकी मान्यता जिस प्रकार से बताई जाती है, बहुत ऐतिहासिक तौर पर उनको लोग वहां याद करते हैं। वहां पर उन्हीं के नाम पर सौर श्रेणी भाषा और उन्हीं से आगे चलकर के ये जो सूर श्रेणी वंश है, जिसके हम सब सैनी समाज के नाते वंशज हैं, ये वहां शुरू हुआ। सूर श्रेणी जाति की जो प्रशंसा है न केवल इतिहास में बलती है बल्कि महाभारत के में भी सूर श्रेणियों का ये यश जो है ये गाया जाता है। हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली है और उसके अधीन हम जितना भी काम करते रहे हैं, हमें ऋग्वेद में श्रेणी नामक वीर जाति का जो वर्ण मिलता है उसी वंश में चलकर महाराजा सूरसैनी ने सूरसैनी गण की यह स्थापना की थी। सैनी समाज ने सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारक और श्री लिखमीदास जी जैसे संत, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाबचंद सैनी जी जैसे वीर योद्धा, बिहार के सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक, और बहुत प्रसिद्ध नाम हमने सुना है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जैसे खिलाड़ी, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरुवचन सलारिया, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगेंद्र सिंह सैनी जी जैसे वीर सैनिक, और चंडीगढ़ जिस नाम से ख्यात है, प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, ऐसे कलाकार जो चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता हैं पद्मश्री नेकचंद सैनी जी, भारत में बाघों की जनसंख्या और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए कार्य करने वाले पद्मश्री कैलाश चंद सांखला जी जैसे वन्य प्राणी संरक्षक, ऐसे अनेक महापुरुष अपने समाज में ऐसे हुए हैं। हमें अपने इन जो महापुरुषों का, वीरों का, इनकी जब जीवनी पढ़ते हैं तो वास्तव में माथा ऊंचा होता है, गौरव से हम अपने सीने को चौड़ा करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज में सेनानी सरदार महंगा सिंह सैनी और अजीत सिंह सैनी जैसे सेनानी इसी समाज ने दिए हैं। वास्तव में देश का इतिहास इन सेनानियों का और हमारी आजादी के आंदोलन से भरा पड़ा है। 1857 की पहली जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उस समय समाज के वीरों ने कितना बड़ा योगदान किया है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण कथा ऐसी भी कभी कभी सुनने को मिल जाती है, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी अभी ये जो यात्रा चल रही है, जो राहुल गांधी के नाम से यात्रा चलाई जा रही है, कल ही अजमेर में
जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमने आजादी दिलाई है। वो आजादी का श्रेय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके अलावा बाहर जाके निकल के देखते नहीं है। ये जो अनगिनत क्रांतिकारियों का मां भारती के बलिदान के लिए जो काम किया है, वास्तव में इस प्रकार का खेदजनक बयान कभी देना नहीं चाहिए। देश की आजादी में बहुत बड़े क्रांतिकारियों का, वीरों का जो योगदान रहा है, हम सबको इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमको सबको याद रखना चाहिए, सबके प्रति आदर का भाव, ऐसा ही हमको लेकर के चलना चाहिए। वास्तव में सैनी समाज ये हमारा बहादुर समाज है। समाज की सत्य और अहिंसा की महान परंपराएं हैं। पूर्वजों ने दया, धर्म और त्याग के ऊंचे आदर्श, ये ऐसे काम किए हैं। समाज की एक बड़ी आबादी महाभारत से पहले भी खेतीबाड़ी का काम करती रही है। वास्तव में राजा कुरु ने जब कुरुक्षेत्र में हल चला करके खेती का काम शुरू किया था, उस समय भी बड़ी संख्या में सैनी समाज उस क्षेत्र के अंदर पहले से खेतीबाड़ी का काम ये करता रहा है। जैसा हम देखते हैं कि देश के नव निर्माण में सैनी समाज का योगदान ये बहुत प्रशंसनीय है। जैसा हम जानते हैं, आजादी के बाद यानी एक प्रकार से पहली जो हमारी महिला शिक्षिका है, जिनको हम बहुत आदर से याद करते हैं, ऐसा नाम भी ये शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के नाम से और ये उस समय आता है। इस प्रकार से जो मैंने पहले जिक्र किए हैं, ऐसे महान पुरुषों में जो शिक्षा के बारे में विचार है वो बहुत ही एक प्रकार सराहनीय है। एक आधुनिक और एक विकसित हरियाणा को बनाने के लिए आज हरियाणा में भी बहुत सी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, और इसलिए हमेशा मेरे मन में कभी कभी सैनी समाज के प्रति बहुत प्रेम और प्यार इसलिए भी आता है कि एक प्रदेश के हित में सोचने वाला, छोटी सोच का ना होकर के एक व्यापक सोच का समाज, ये हमारा सैनी समाज है। इसलिए मैं सैनी समाज के सभी महापुरुषों को अपनी ओर से नमन करता हूं, और विशेष तौर पर महाराजा शूर सैनी, जिनकी आज जयंती मना रहे हैं, उनको मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मित्रों, हर समाज के अंदर कुछ ना कुछ नेता, महापुरुष, ऐसे संत हुए हैं। हमने हरियाणा सरकार, आज संयोग से ऐसा कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार में हमने जो योजनाएं बनाई हैं, उसमें संतों महापुरुषों का एक बहुत बड़ा योगदान, इसको हम हमेशा याद करते रहे हैं। हमने इसके लिए विशेष योजना बनाई है कि संत